हेलो एंड वेलकम ई बेस एजी बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जो ई इनवॉइस बनाते हो और ई इनवॉइस बनाने के बाद में से जो आपका क्यूआर कोड आता है उसको आप कैसा चेंज करें या आपका इनवॉइस पे लोगो कैसे ऐड करें वो हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये एक ई इनवॉइस बना हुआ है जिसका आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो क्यूआर कोड है और इसका आयरन भी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो जनरेट हो चुका है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क इमेज यूज़ किया हुआ है, तो ये वाटरमार्क का इमेज को कैसे ऐड करें या जो लगाया हुआ है उसको कैसे निकाले और ये क्यूआर कोड को हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे इसको लेफ्ट में देख रहे हो, आपको अगर राइट में लेना है तो यहाँ पर उसको हम लोग राइट में किस तरह से लें और हमारा अपना अगर कोई लोगो ऐड करना है तो वो लोगो किस तरह से ऐड करें वो हम लोग यहाँ पे सेटिंग चेक करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से इसको एस्केप करेंगे। यहाँ पे आप आओगे यहाँ पे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आने के बाद में से यहाँ पे आपको अदर लोगो में आना है। आपका जो क्यूआर कोड जो दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे करनी रहेगी, जिसके लिए यहाँ पर जो है आपका जो क्यूआर कोड का जो आपको सेटिंग करना है तो यहाँ पे आप उसका विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, टॉप से कितना होना चाहिए यहाँ पर आप डाल दोगे, ठीक है। तो अभी मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है तो यहाँ पर मैं इसका जो सेटिंग है वो यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको 6.280 और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क यूज़ किया हुआ है वो अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से उसको एनेबल में जो चेक मार्क किया हुआ है वो निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा वो और मुझे जो कंपनी का लोगो चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं लोगो पे चेक मार्क कर दूंगा और इसका जो सेटिंग रहेगा लोगो का वो सेटिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि उसका हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, जो कुछ भी है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे सारा सेटिंग कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट। और यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो अब देखिए बड़ी ही सिंपल वे में आपका ये क्यूआर कोड भी शिफ्ट हो गया है, ठीक है। आपका लेफ्ट से राइट में आ गया, आपका लोगो यहाँ पर आ गया, हमने जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क इमेज यूज़ किया था वो भी निकल गया है और आपका जो इनवॉइस बना था ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया कि आप क्यूआर कोड को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो इसको इनवॉइस में कहीं पर भी आपको प्रिंट करवाना है, जो भी आपको उसका लोकेशन सही लगता है आप उस लोकेशन पे इसको प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।